सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। दोस्तों, छठ पूजा और दिवाली आने वाले हैं, तीनों ओपनिंग टिकट कंफर्म बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग इजीली तरीके से छठ पूजा और दिवाली में कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप टिकट बुक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से, तो आपको सबसे पहले मास्टर लिस्ट बना लेना है, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही आपको सेव करके रखना है। तो सिंपल आपको वो करना है कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट पे क्लिक करना है, इसके बाद माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर का जो भी नाम है सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद बर्थ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से आप लोगों को मास्टर लिस्ट बना लेना है। जब भी आप ओपनिंग टिकट बुक करते हैं तो आप लोग एक साथ छः नाम टिकट बुक कर सकते हैं, बट आप लोगों को मैं सजेशन करूँगा जब भी आप टिकट बुक करते हैं ओपनिंग टिकट, तो एक साथ आप लोगों को दो नाम ही बुक करना है। यदि आप चार से पांच नाम या छः नाम बुक करेंगे तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लेंगे, जिससे आपको वेटिंग लिस्ट में भी आ सकता है नंबर। तो सिंपल आप लोगों को मैंने देख तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मास्टर लिस्ट बना लिया। इसके बाद सिंपल आप लोग करना क्या है, ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद बुक ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रूट सेलेक्ट कर लेना है, जिस रूट का आपको टिकट बुक करना है। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली से बेगूसराय सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, जिस डेट का आपको टिकट बुक करना है। यहाँ पर सितंबर हो गया, अक्टूबर का आपका बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, मैंने यहाँ पर अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जिस डेट पे आपको टिकट बुक करना है डेट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है। आप लोगों को जब भी ओपनिंग टिकट बुक करते हैं तो 8 बजे बुकिंग स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को 7:58 कुछ सेकेंड में आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद 8:04 से 8:05 सेकेंड पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट भी आ सकता है, क्योंकि इन दिनों ट्रेनों में कंफर्म टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि आप लोग एक दो दिन में देख भी सकते हैं। इसके बाद जिस ट्रेन में आप लोगों को टिकट बुक करना है सिंपल इजीली तरीके से आप लोगों को क्लास पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लास पे क्लिक करेंगे जितने सीट का कोटा होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तभी देख सकते हैं यहाँ बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही 8:02 से 3 मिनट होगा बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, देख सकते जैसे कि यहाँ देख सकते यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसका पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसका आई एग्री पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने मैस्टर लिस्ट बनाया है उसको देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप बुकिंग टिकट ओनली कन्फर्म बर्थ अलाउड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको करना है, इसके बाद आप लोग को पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। भीम UPI से करना है, भीम UPI सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम भी लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैप्चर फिल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको फटाफट कैप्चर फिल करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पोस्टर टू पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेटीएम ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यदि आप तत्काल टिकट या फिर ओपनिंग टिकट बुक करेंगे तो आपको वेस्ट पेमेंट ऑप्शन की बात किया जाता है, पेटीएम आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आपको पे पे क्लिक करना है, जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो आप लोग मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, सिंपल आप लोग OTP फिल करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका टिकट कंफर्म बुक हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में आपको एक कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, यदि आप ओपनिंग टिकट भी बुक करते हैं छठ पूजा या दिवाली के लिए तो आप लोगों को बता दूँ जो रूट है जिस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है तो उसमें आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि जितने भी हार्ड रूट यानी हार्ड ट्रेन होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए टिकट बुक करते हैं, यदि आप सोच रहे होंगे कल या परसों के डेट में हम लोग यानी कि दिवाली बाद सप्तक्रांति या बिहार सप्तक्रांति में आप टिकट बुक करना चाहेंगे तो IRCTC के वेबसाइट या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। आप लोगों को वेस्ट ऑप्शन की बात किया जाए, आप लोगों को लक्ष्मी हो गया, अमरपाली हो गया, स्वतंत्रता सेनानी है, न्यू जलपाईगुड़ी है, तो ये सब ट्रेन में आप लोगों को ट्राई करना है यदि आप छठ पूजा दीपावली में अगर कन्फर्म टिकट बुक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।